अरे बा ये कितना वीडियो बना के डाल देनी, लेकिन वीडियो बनाओ तनी डाल तनी सबरे डाल तनी शाम के डाल तनी और वो रातों के डाल तनी रात के 12 बजे डाल तनी, लेकिन व्यू नहीं किया वो तो का दिक्कत हो गई बा, चैनलवा खराब नहीं ना हो गई। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करें कि हमारे यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारा व्यू आए। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि यूट्यूब पर कब वीडियो अपलोड करना चाहिए कि आपके यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारे व्यू आए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सबसे बेकार और घटिया टाइम कौन सा होता है। अगर आप इस टाइम पर अपने YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं तो मुश्किल से आपके YouTube वीडियो पर 20 से 50, 50 से 100 तक ही व्यू आएंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे इस वाले वीडियो पर देख सकते हैं, मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया है मैंने रात को 12 बजे के करीब में अपलोड किया था, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो पर अभी तक मात्र 30 ही व्यू आए हैं। सबसे घटिया टाइम जो है वो 12 बजे रात का है। इसके अलावा और भी टाइम है, अगर आप इस टाइम पर भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर भी ठीक इसी तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे घटिया टाइम कौन सा होता है वीडियो अपलोड करने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप लोग देख रहे हैं मोनसल टेक। चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि क्या यूट्यूब पर कोई ऐसा टाइम होता है जिस पर हम वीडियो अपलोड करें तो हमारे वीडियो पर अच्छे खासे व्यू देखने को मिले। मतलब कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में कुछ ऐसा है कि अगर आप इस टाइम पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पर व्यू आएगा, आपके वीडियो वायरल जाएगी। तो दोस्तों यूट्यूब के जो पॉलिसी है, जो उसका एल्गोरिथम है, जो उसका सिनेरियो है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि अगर आप इस टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो वायरल नहीं जाएगा, आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएगा, या अगर आप इस टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर बहुत मात्रा में व्यू आएगा। मतलब कि वीडियो डालते ही आपका वीडियो एकदम बूस्ट कर जाएगा, उड़ने लगेगा, आपके वीडियो पर भर भर के व्यू आएगा। ऐसा कोई भी टाइम YouTube के पॉलिसी में नहीं है और ना ही इसके एल्गोरिथम में है। अब देखिए दोस्तों समझने वाली बात यह है, मान लीजिए दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है या मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अगर आप मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखा, तीन वीडियो देखा, देखने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके YouTube ब्राउजर में मेरा वीडियो रिकमेंड करने लगेगा। मतलब कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी, सब्सक्राइब किया है तब भी रेकमेंड करेगा, तब भी आपके ब्राउज फीचर में मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, मान के चलिए कि दोस्तों आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। अगर मैं दोस्तों रात को 12 बजे के करीब में अगर वीडियो अपलोड करता हूँ या 2 बजे करीब में या रात के 3 बजे करीब में भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आप दिन में कभी भी अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अपने ब्राउजर को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो मेरा वीडियो आपके ब्राउजर में रिकमेंड करेगा, जबकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी। सब्सक्राइब करेंगे तब भी आपके यूट्यूब ब्राउजर में मेरे वीडियो रिकमेंड करेगा, आपके यूट्यूब ब्राउजर में मेरे वीडियो दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी यूट्यूब क्या कर रहा है, आपके यूट्यूब ब्राउजर में मेरे वीडियो को दिखा रहा है, सब्सक्राइब किए हैं तब भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह होती है, मान लीजिए कि मैंने कोई वीडियो बनाकर अपलोड किया है और मेरे वीडियो का जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव है, आपके लिए वो यूजफुल वीडियो लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो मुझे चाहिए, मुझे इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो की मुझे नीड थी, तो आप वहां पर मेरे वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं देखना है, तो वहां पर आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर आप वहां पर मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो वहां पर मेरा तो व्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि YouTube पर आपका जो काम कर रहा है तो वो थंबनेल कर रहा है, तो थंबनेल की वजह से आपके वीडियो पर व्यू आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप वीडियो रात के 2 बजे के करीब में अपलोड करें या 3 बजे को अपलोड करें तो आपके वीडियोस पर व्यू नहीं आएगा, आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग आपके वीडियोस पर व्यू आता है। आप चाहे रात के 2 बजे वीडियो अपलोड करें, 12 बजे करें, 3 बजे करें, कभी भी करें, अगर वो अट्रैक्टिव वीडियो है, अगर वो वीडियो यूजफुल है, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है और ऑडियंस को उस टाइप का वीडियो अगर चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा। अब देखिए अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर कोई वीडियो बनाते हैं, मतलब कि यूट्यूब पर वो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है ना, आप उस वीडियो को बनाकर रात के 2 बजे के करीब में अपलोड कर रहे हैं
और सुबह उठकर देख रहे हैं तो आपके वीडियोस पर बहुत सारे व्यू देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। ऐसा तो नहीं है कि आप रात के 2 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे तो आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएगा। व्यू तो आ रहा है ना, तो वहां पर आपका थंबनेल काम कर रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक काम कर रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप रात को 2 बजे या दिन में अगर वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ ऐसे टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएगा। ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है, आपके थंबनेल पर डिपेंड करता है और ऑडियंस के चॉइस पर और उनके नीड पर डिपेंड करता है कि आपके वीडियो पर व्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ टाइम ऐसा होता है जिससे अगर आप उस टाइम पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो पर हो सकता है कि बहुत कम व्यू देखने को मिले। लेकिन YT स्टूडियो में जब आप ऑडियंस वाले सेक्शन पर जाते हैं वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूं। वहां पर लिखने को मिलेगा व्हेन यू आर व्यूअर आर ऑन YouTube। आप देखेंगे ग्राफ वगैरह देखने को मिलता है, रेड कलर का, डार्क कलर का ग्राफ आपको देखने को मिलता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि वहाँ पर ज़्यादा डार्क में अगर आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है तो उससे आप लोगों को क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि उस समय आपके चैनल पर ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो अगर आप उस टाइम पर अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा। तो वो डार्क वाला जो साइट होता है ना, जो डार्क वाला चिन्ह होता है, वो आपको इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आप इस टाइम पर वीडियो अपलोड करेंगे तो इस समय आपकी ऑडियंस ज़्यादातर एक्टिव रहती है। उस समय फोन लेकर चलाते रहती है, जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके वीडियो को वो वॉच करेंगे, तो तुरंत उस वक्त आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यू देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, रात के टाइम में अगर आप जाकर उस ग्राफ को देखेंगे तो रात के टाइम वहां पर ग्राफ आपको बहुत हल्का हल्का देखने को मिलेगा, ज्यादा डार्क कलर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उस समय अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पर बहुत कम व्यू देखने को मिलेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रात को वीडियो अपलोड करते हैं तो ये आपके लिए ख़राब टाइम है। इस समय अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पर व्यू नहीं आएगा। वीडियो पर व्यू आपके थंबनेल की वजह से आता है, आपके कंटेंट की वजह से आता है, ट्रेंडिंग टॉपिक के हिसाब से आता है और लोगों के च्वाइस के हिसाब से आता है कि उनको क्या नीड है, किस चीज़ से रिलेटेड उनको वीडियो चाहिए। अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया है तो डेफिनेटली आप कभी भी वीडियो बनाकर अपलोड करें, आपके वीडियो पर 100% व्यू आएगा तो आएगा ही। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेरे इस वाले वीडियो पर रात को जब मैं वीडियो अपलोड किया था तो मात्र अभी तक 30 ही व्यू आया है। तो इतना कम व्यू आने का रीज़न ये है कि इससे पहले मैं जो भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने मोबाइल के सेटिंग्स के बारे में बताया है जो काफ़ी कम लोगों को इंटरेस्ट रहता है। और ये सेटिंग्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो बहुत कम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जिनको ज़रूरत होता है, जिनको सेटिंग समझ में नहीं आता है, वही लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पर YouTube टिप्स से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें YouTube से रिलेटेड बहुत कम जानकारी होती है, तो डेफिनेटली वो मेरी वीडियो को देखेंगे। 30 व्यू आने का रीज़न क्या है कि इससे पहले मैं जो भी वीडियो बनाता था, जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करता था, वो मोबाइल के सेटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता था, जिसमें हमारी ऑडियंस को, जो मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़ी हुई है, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम लोगों का इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वही लोग यहाँ पर वीडियो देखे हैं। जिनको सेटिंग समझ में नहीं आया है, वही लोग यहाँ पर वीडियो देखे हैं। अब मैं जो वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, YouTube टिप्स से रिलेटेड वीडियो है, उस पर मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा दोस्तों, तो उस पर आपको ज़्यादा मात्रा में व्यू देखने को मिलेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि 12 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया है इसलिए मेरे वीडियो पर व्यू आया है? नहीं दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो था, YouTube टिप्स से रिलेटेड जो वीडियो मैं बनाकर अपलोड करता था, वो चीज़ मैंने बताना बीच में छोड़ दिया था। इस वजह से मेरी ऑडियंस जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। अब धीरे धीरे मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ेगी तो मेरे वीडियो पर व्यू देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग का कोई लेन देन नहीं है, कभी भी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो का थंबनेल अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है और वो वीडियो ऑडियंस के लिए यूज़फुल है, तो वो डेफिनेटली उस पर व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और अपने ऑडियंस को बताया जाए कि क्या YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही टाइम होता है,
क्या YouTube पर वीडियो अपलोड करने का बेकार भी टाइम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वीडियो को अपलोड करने का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। YouTube के जो पॉलिसी है उसमें आपको ना ही ये बताया गया है कि आप इस टाइम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यू देखने को मिलेगा। आप कभी भी वीडियो अपना अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो अच्छा है तो डेफिनेटली उस पर व्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को, अपने ऑडियंस को बताया जाए कि आप कभी भी रात के 2 बजे, सुबह में 3 बजे, 4 बजे या दोपहर में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आपको अपने वीडियो को अच्छे तरीके से बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है, वीडियो का कंटेंट अच्छा रखना है, उसके बाद से जो भी वीडियो आप बनाइए अपलोड कीजिए, डेफिनेटली आपके वीडियो पर व्यू आएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए